जो जम्मू कश्मीर में वापस 370 और 35 लाना चाहते हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने 370 और 35 से मुक्ति दिलाई है और ये वचन करती है कि वापस 370 और 35 नहीं आने देंगे। मैं हैरान हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो जारी किया। आप में से किसी ने पढ़ा है मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो के बारे में तो पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा है कि जो जेलों में बैठे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, ये पीडीपी कह रही है कि जो जेलों में बैठे हैं हम उनको छोड़ देंगे। जेलों में कौन बैठा है? जेलों में कौन बैठा है? आतंकवादी बैठे, अलगाववादी बैठे। ये घाटियों में याद है पूरी की पूरी बरात मार दी जाती है, पूरी की पूरी बरात, भाई भाई को लड़ाया जा रहा। जो लोग भारतीय सेना के जवानों को जिन्होंने मारा, अब अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं उनको छोड़ देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर की जनता है, ये इसका करारा जवाब देगी, करारा। कहते हैं आरक्षण छीन लेंगे, जो अधिकार ये बेटियों को मिला है, जम्मू कश्मीर की बेटियों को जो अधिकार मिला है, एनसी वो अधिकार वापस लेना चाहती है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो मेरा आपसे निवेदन है कि जिन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंका, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इनको अब मजा चखाने का, इनको हराने का वक्त आ गया है। उमर साहब, कभी आप कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कभी जेल से नहीं आऊंगा, फिर चुनाव भी लड़ते हैं, लोकसभा भी लड़ते हैं, विधानसभा भी लड़ते हैं। असल में मिस्टर कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज आदमी जो अपना कुछ नहीं कर सका, जो निर्णय ले नहीं सकता, वो जम्मू कश्मीर का निर्णय कैसे लेगा? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैनिफेस्टो दिया है वो झूठ का पुलिंदा है, जम्मू कश्मीर को तोड़ने की साजिश है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 25 वादे लेकर आई है। मैं रजेश्वर जी से निवेदन करूंगा, मैनिफेस्टो का पैम्फलेट बन के आया है, बांट दीजिए। हमने इसमें लिखित दिया है, लिखित बेटा, इसमें लिखित दिया है कि आप बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन 36,000 रुपया साल होगी। कितना? मेरे को सुनाई नहीं दिया कितना होगी। और जो हर घर की बेटी है, बड़ी बहू, ये जैसे बड़ी बहू है, इसको 18,000 रुपया साल बहन को मिलेगा। कितना मिलेगा? 36,000 रुपया पेंशन और 18,000 रुपया हर बहन को, हर घर की बड़ी बहू को मिलेगा। इसके अलावा राशन आ रहा है ना फ्री, जरा हाथ खड़ा करो जिनको राशन मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी का राशन है, आगे भी मिलता रहेगा। और अब राशन के साथ साथ दो गैस सिलेंडर साल में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ये नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं स्कूल जाने वाले, अब इनको 3,000 रुपया बस का खर्चा भी मिलेगा। नौकरी करने जाना है तो उसके फार्म के पैसे भी नरेंद्र मोदी की सरकार देगी। मेरे को बताइए, हम संकल्प लेके आए, लिखित में लेके आए, आप रख सकते हैं सरकार आते ही? ये लिखित का हमारा मैनिफेस्टो 100% लागू होगा। मेरे को बताइए, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड सबके पास है? रात खड़ा करो,
जरा हाथ खड़ा करो, दिखाओ मेरे को, एक पत्रकार साहब फोटो भी ले रहे हैं, देखो जरा। अब ये 5 लाख का कार्ड जो आपके पास है वो 8 अक्टूबर से 7 लाख रुपए का हो जाएगा। कितने का होगा? यानी घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो बच्चा बीमार है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 7 लाख रुपए तक का मेडिकल का खर्चा इंश्योरेंस मोदी जी करेंगे। आपके गांव में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मिले, मोदी घर मिले हैं लोगों को, जरा हाथ खड़ा करो जिन जिन को मिले। अब मेरी सुनिए, आपके गांव में जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, 5-5 मरले जमीन जिनके पास जमीन नहीं है उनको कमल के फूल की बनने वाली सरकार देगी, और 3 करोड़ नए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में मिलने जा रही है। मोदी साहब ने सबके घर में बाथरूम बनाया है ना, इज्जत घर। किसके घर में इज्जत घर है? सबके घर में है, हाथ खड़ा करो, है जरा हाथ खड़ा करो, सब बाथरूम जाते हैं। अब आपके घर में पीने के पानी का टैप पहुंचा, नलका आ रहा है, नल लगा है, हाथ खड़ा करो जिनके नल लगा है, अरे हाँ तो बोलो, लगा है। रसोई गैस पहुंचा है, अब नई स्कीम दे रहे हैं मोदी साहब, हर घर पर सोलर से बिजली फ्री। देखिए 300 यूनिट बिजली फ्री, पीने का पानी नलके से, घर में बाथरूम, रसोई गैस, महीने में 2 साल में 2 रसोई गैस, राशन, राशन के बाद 18,000 रुपया सालाना, 36,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन, और फिर साथ में हर एक को अपना घर। ये मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि रामबन डोडा और किश्तवाड़ में एक टूरिस्ट शहर बसाया जाएगा। क्या बसाया जाएगा? बोलो क्या बसाया जाएगा? टूरिस्ट शहर का मतलब है राजेश्वर जी जो हमारी यहाँ की कमांड समेट के बैठे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि राकेश ठाकुर को जिताकर भेजेंगे, तो राकेश ठाकुर को जिताकर भेजेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा शहर बसाया जाएगा जहाँ होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, टूरिस्ट आएगा और डोडा किश्तवाड़ रामबन में टूरिस्ट सिटी बताया जाएगा। आज गांव में सड़कें बन रही है ना, और सड़कें बनाई जाएंगी। मेरे भाई मंडल अध्यक्ष जी कहाँ गए भाई साहब? गणेश जी, गणेश जी ने काम लिखे कागज पे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कागज पे काम मत लिखो भैया, कॉपी पे लिखो, जितने लिखोगे सारे कर दिए। मेरा आपसे निवेदन है, हम लिखित में देने के लिए आए, लिखित में अपनी घोषणाएं लिख के दे रहे हैं, मोदी जी की गारंटी की घोषणाएं हैं। आपसे निवेदन है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राकेश ठाकुर को कमल के फूल पर जिताकर भेजना। यहाँ पर एनसी, कांग्रेस, पीडीपी टोटल फेल हो चुके हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोच नहीं है, बच्चों का भविष्य बनाने की कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं। और यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, हम मिशन के लिए काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आज कुछ लोग बहरूपीय बनकर वोट मांग रहे हैं, मैं बहरूपियों को कहना चाहता हूं, हमारे पास भैया राकेश ठाकुर है, सीधा मोदी जी का प्रतिनिधि है, हम प्रोक्सी को वोट क्यों देंगे? क्यों देंगे प्रोक्सी को? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे साथ संकल्प लीजिए, जम्मू कश्मीर आपके वोट की इंतजार कर रहा है,
जम्मू कश्मीर आज तरक्की की राह पर है। इन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाया था, नरेंद्र मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। इन तीन परिवारों ने भाई भाई को लड़ाने का काम किया। कभी गुज्जर बकरवाल में लड़ाई, कभी गुज्जर पहाड़ी में लड़ाई, कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाई। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो अगड़ा हो पिछड़ा हो, हर गरीब के घर पर राशन हमने पहुंचाया है, हर गरीब के घर पर रसोई गैस पहुंचाया है, हर गरीब के घर पर शौचालय पहुंचाया है, अब हर गरीब के घर पर पीने का पानी पहुंच रहा है, हर गरीब के घर पर राशन पहुंच रहा है, अब हर गरीब के घर पर बिजली फ्री पहुंचने वाली है। ये जो लोग आपके पास बहरूपिये बनकर वोट मांगने आ रहे हैं, इनको एक बार कह दीजिए आपकी नहीं चलेगी, यहाँ चलेगा तो चलेगा नरेंद्र मोदी चलेगा। नरेंद्र भाई मोदी। आप पूछिए, हमने 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया, दिया ना? किसी से जाति पूछी, किसी से धर्म पूछा? अब उसको हमने 7 लाख कर दिया, इसलिए कोई बीमार हो घर का साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो राकेश ठाकुर को जिताओगे? जिताएंगे? अरे आवाज दो, जिताएंगे? जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है, यहाँ टूरिस्ट सिटी बनानी है, यहाँ पर विकास करना है। मेरे साथ संकल्प की मुट्ठी बीचिए, दोनों हाथ में मुट्ठी बंद करके मेरे साथ नारा लगाइए और ये संकल्प लीजिए कि हम राकेश ठाकुर को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के वोट यहाँ से पहुंचाएंगे और जम्मू कश्मीर में नई सुबह होगी। मेरे साथ मुट्ठी बीचिए, बोलिए भारत माता की जय। आवाज कम है, शेरनी बहने बैठी हैं, इतनी बहने, इनकी आवाज उस पहाड़ के पार तक जानी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला तक जानी चाहिए। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राकेश ठाकुर जी, चुनाव निशान कमल का फूल रखिए याद और होगी यहाँ पर तरक्की। इतना ही कहता हुआ मुझे जाना है, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हुआ निकलता हूँ, लेकिन आपका संकल्प जो यहाँ लोगों ने लिया है, मैं मोदी जी को जाके बताने वाला हूँ कि यहाँ का संकल्प लोगों ने लिया है और यहाँ के विकास की गारंटी मोदी की गारंटी है।